अलीगढ़ के भोजपुरा क्षेत्र में गर्जा नगर निगम का बुलडोजर, अवैध निर्माण करने वालों पर। वहीं सपा नेता ने लगाए भेदभाव के आरोप नगर निगम पर। आपको बताते चलें, अलीगढ़ के भोजपुरा क्षेत्र में नगर निगम का चला बुलडोजर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर। भोजपुरा चौराहे से लेकर बिजली घर तक चला दुकानदारों में जागरूकता दिखी। इसी का नतीजा यह रहा कि एक भी चालान नहीं कटा। वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 55 के पार्षद समाजवादी पार्टी से हफीज अब्बासी ने आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। भेदभाव का दरअसल पूरा मामला भोजपुरा का है, जहाँ पर नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था। वहीं समाजवादी पार्टी के पार्षद मोहम्मद हफीज अब्बासी भी एक दुकान है जनसेवा केंद्र की, जिसका निर्माण नाली के ऊपर हो रहा था। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने वह निर्माण तोड़ दिया। इसी को लेकर के पार्षद और नगर निगम के बीच कहासुनी धक्का मुक्की हो गई। पार्षद ने आरोप लगाया नगर निगम के अधिकारी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और बीजेपी वालों का कोई भी अतिक्रमण तक वह नहीं तोड़ रहे, सिर्फ और लोगों के तोड़ रहे हैं। वहीं सामने समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष बाबा फरीद का एसके पब्लिक स्कूल है, जिसको नगर निगम ने जो अवैध नाली के ऊपर बन रहा था उसको बुलडोजर के द्वारा टुटवा दिया गया, जिससे बाबा फरीद नाराज दिखे और लगाया नगर निगम पर बदसलूकी का आरोप। वहीं सेहे नगर आयुक्त डीपी सिंह का कहना है कि कोई भी चालान किसी दुकानदार का नहीं हुआ, लोगों ने सहयोग किया और अपने आप ही ज्यादातर लोगों ने अतिक्रमण को हटा लिया। छोड़ छोड़ कर हम जैसे विपक्ष के लोगों पर अवैध अभियान अत्याचार किया जा रहा है। मेरा नाम हफीज अब्बासी, मैं निगम में पार्षद हूँ। अगर ये लोग एक तरफा अगर ईमानदारी से कार्रवाई करेंगे तो मैं अपने अध्यक्ष तोड़ लूंगा इसको। कौन वो ये कह रहे हैं अजय नेता, उसे भी अभी तोड़ेंगे, हम तोड़ रहे हैं। मैं शासन के हर नियम के तैयार हूँ, हर नियम के साथ हूँ, लेकिन दूसरों के साथ मेरे साथ भेदभाव क्यों किया रहा है? दूसरों का भी तोड़िए, मैं भी तोड़ने को तैयार हूँ। आप किस बिना पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। साधारण ट्रेवल भुजपुरा बाईपास रोड पर 17 तारीख को अतिक्रमण चला था, वहाँ नहीं तोड़ा गया। भट्टी गोदाम चौराहे फुटपाथ गेट पर संजीव ट्रेडर्स, उसका आज तक नहीं तोड़ा गया। ये सब भाजपा के नेता, इसलिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक है। आप क्या, आप ये जो अवैध निर्माण जो तोड़ा जा रहा है, तो आपका क्या चीज तोड़ी गई है? कितना तोड़ा आपका ज्यादा? आपको क्या, आपको शिकायत है चीज से कि ओवर तोड़ दिया? नहीं है हमारा तो क्या नाम है आपको? आपका मैनुद्दीन नाम है। ये बताइए, नगर निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सही हो रहा है, गलत हो रहा है? योगी जी के काम से आप खुश हैं? आज भोजपुरा पुलिस चौकी से लेकर के बिजली घर तक चलाया गया, बीच में जो रैंप या कोई टीन शेड वगैरह थी तो कल का हमारा अगला प्रोग्राम है, मंडे को है किसी को किराए से चले और सर कब तक वो कार्यक्रम को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? वैसे मुरादी भी हो रही है, हम आपके साथ लगभग 20-25 दिनों से यही संदेश देना चाहते हैं। हमारे महानगर वासियों से विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, जो व्यापारी बंधु हैं, दुकानदार हैं, उनसे हमारा यही अनुरोध है कि जो हमारा ड्रेनेज नाला बना हुआ है, नाली बनी हुई है, उस पर कोई काउंटर न लगाए, नाले को छोड़ दें, नाले पर काउंटर न लगाए और नाले का जो पटला है वो एकदम रोड लेवल से करें, उस पर ग्राहक को लें और रोड फ्री करें, जिससे हमारा आवागमन बाधित ना। सर कितने चालान आज हुए हैं? आज अभी कोई चालान नहीं हुए।
दूसरा सवाल है कि जिस तरह से पटरी वालों ने नगर निगम का बना रखा है, नगर निगम का उनके पास कार्ड है और वो जमा कर रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ सुविधाएं भी दी जा रही है? उनके लिए सारी सुविधाएं दी जा रही है। बेंडिंग जोन हमारे लगातार बन रहे हैं, जैसे आपने आज देखा होगा जीटी रोड पे हमारा जो है बेंडिंग जोन बन गया है। उस पर आज एसएसपी साहब और जिलाधिकारी महोदय अभी जो भ्रमण किया था और ट्रैफिक व्यवस्था को लोग दुरुस्त करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।